नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नीलगायों की हत्या पर मोदी के मंत्रियों में ठनी। बिहार सहित कई प्रदेशों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों की हत्या की सरकारी अनुमति के मसले को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर में ठन गई है। बिहार में 250 नीलगायों की हत्या के मामले को लेकर मेनका गांधी ने जावड़ेकर के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी सरकार में पहली दफा पर्यावरण मंत्रालय इतना सक्रिय हो गया है कि राज्य सरकार की अपील पर जानवरों को मारने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि आप बताएं किस किस जानवर को आप मारने की इच्छा रखते हैं। जावड़ेकर ने मेनका के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों के फसल का नुकसान होता है और राज्य सरकार प्रस्ताव देती है तो पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकार को इसकी मंजूरी देता है। मोदी को गाड़ी में बैठाकर रेस्तरा ले गए मैक्सिको के राष्ट्रपति। मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मेहमान नवाजी करते हुए रात के खाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर एक रेस्तरा ले गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि ये बहुत विशिष्ट सम्मान था। राष्ट्रपति खुद गाड़ी चलाकर नरेंद्र मोदी को शाकाहारी भोज के लिए एक रेस्तरा लेकर गए। स्वरूप ने रेस्तरा में मोदी और नीतो के साथ बैठे होने की तस्वीर भी ट्वीट की है। स्वरूप ने कहा कि राष्ट्रपति नीतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ में भोजन किया। इससे पहले नीतो ने ट्विटर के जरिए मोदी का स्वागत किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह से पूछताछ। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ की। सिंह पर केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि 81 वर्षीय मुख्यमंत्री यहां एजेंसी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। एजेंसी ने कहा है कि उसने जांच शुरू की थी जिसमें कथित तौर पर ये पता चला था कि वर्ष 2009 से 2012 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में सिंह ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आय से ज्ञात स्रोतों से लगभग 6.03 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी शिविर पर नक्सलियों का हमला। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने गुरुवार को तड़के भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक शिविर पर रॉकेट दागे और भारी गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि हमला रणपाल क्षेत्र स्थित आईटीबीपी की 41वीं बटालियन के कंपनी बेस पर हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे माओवादियों ने शिविर को तीन तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा कि हमला रात करीब 12:40 पर हुआ और तड़के 3 बजे तक चला। शिविर पर 4 रॉकेट दागे गए। दोनों ओर से करीब 600 गोलियां दागी गई। नक्सली बाद में जंगलों में भाग गए। रिचर्ड वर्मा ने कहा मोदी की अमेरिकी यात्रा बेहद फलदायी एवं रचनात्मक। भारत में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यात्रा बेहद फलदायी एवं रचनात्मक रही क्योंकि असैन्य परमाणु ऊर्जा से रक्षा एवं व्यापार तक के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई। मोदी की अमेरिका यात्रा पूरी होने के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि ये बेहद फलदायी एवं रचनात्मक दौरा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बैठकें आयोजित की और कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया। मोदी और ओबामा के बीच मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक के अलावा प्रधानमंत्री और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के बीच हुई अधिकतर बैठकों में वर्मा मौजूद थे। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।